अप्रैल 2010 में पॉलीथीन कैरी बैग पर पूरी तरह रोक लगी हुई थी, जिसके इसके बावजूद भी पॉलीथीन कैरी बैग पूरी तरह यूज में आ रहा था, जिसके कारण जानवरों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन मैं आज आपको ऐसे गांव में ले जाती हूँ जिसमें पॉलीथीन को किस तरह यूज में लिया जा रहा है। वह एक टीचर के सहयोग के कारण 500 की आबादी वाला हजारीपुरा गांव आज पूरी तरह बदल चुका है। ये अभी आपके गांव में ये पॉलीथीन का वो चल रहा है, वो आपके दिमाग में कैसे आया? ये है कि ये लगातार ये प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे थे कि भाई ये पॉलीथीन पर रोक लगनी चाहिए, सरकार ने भी इस पर रोक लगाने के प्रयास किए और निश्चित रूप से नुकसानदायक हैं, इस चीज़ को हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत हम हमारे विद्यालय से ही करें, बच्चों से ही करें। लगभग 300 बच्चे हैं हमारे इस विद्यालय में और लगभग 7 गाँवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। सभी बच्चों से वो पॉलीथीन कलेक्ट कराई, कलेक्ट कराने के बाद में जब इतनी इकट्ठी उनके पास हो गई, लगभग 3-3 किलो 4-4 किलो, फिर उनके लिए सुई धागा इनसे कहा कि भाई लेके आना, कैंची लेके आना, फिर इनको यहाँ प्रार्थना स्थल के सामने बैठा करके उनको फिर मैंने आसन, बीजना, हवा करने के पंखे, बैठने के लिए और सजावटी सामान कई बनाना फिर इनको सिखाया। पहले गांव में इसका क्या नज़रिया था और अभी क्या डेवलप हुआ है गांव? गांव में नज़रिया था कि गुरुजी ये क्या करवा रहे हो, पॉलीथीन क्यों इकट्ठी करवा रहे हो, ये कोई तरीका है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ये पॉलीथीन इकट्ठी करवा रहे हो, गाँव का सफाई करने का काम, इससे क्या मतलब? मैंने उनसे निवेदन किया, उनको समझाया, यहाँ मीटिंग भी ली, गाँव में भी जाकर के उनसे कहा। और मेरी मुख्य जो चीज़ है, मेरी सेना है, वो मेरे विद्यार्थी हैं, इनको बताया कि बेटा ये चीज़ें हैं, इनके करने से ये फायदे हैं। तो उन्होंने साथ दिया। हर गांव का व्यक्ति चाहता है कि गांव मेरा स्वच्छ रहे, हर घर में डस्टबिन है। पूरा भारत का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एकमात्र गाँव होगा ये जहाँ हर घर में कचरा पात्र है। अभी गाँव के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और गाँव में पर्यावरण को लेकर क्या स्थिति है अभी? बहुत फायदा हुआ, काफ़ी करते हैं तो कुछ निकल के आता है, वो वाली स्थिति है। अब किया है तो हर घर में सफाई, आप देख के हर घर साफ, पूरा गांव स्वच्छ, कहीं भी कोई पॉलीथीन नहीं, खेतों में पॉलीथीन नहीं तो खेतों के लिए कोई नुकसान नहीं पॉलीथीन से, जानवरों के लिए कोई हानि की कोई आशंका नहीं, साथ में गंदगी भी नहीं। साथ में वो लोग सोचेंगे जब गुरुजी इतना कर रहे हैं हमारे गांव की सफाई के लिए कर रहे हैं, हमें भी जागरूक होना चाहिए, तो वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक संदेश है अन्य समाजों के लिए, समाज से तात्पर्य है मेरा अन्य लोगों के लिए कि भाई वो आगे आए और इस चीज़ से प्रेरणा लेकर के अपने गांवों को भी स्वच्छ बनाए। मुझे लगता है कि हमारे शहरों में आज भी पॉलीथीन कैरी बैग को यूज में लिया जा रहा है, जिसके कारण जानवरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन हजारीपुरे गांव के वीडियो को देखने के बाद में लोगों को शायद बदलाव आ सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।